अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ नगर निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार तेजी से आने के कारण सभी पार्टियां ई रिक्शा और अन्य वाहनों से जमकर प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी शामिल हैं। कांग्रेस कार्यालय पर ई रिक्शा चालकों ने प्रचार में लगे वाहनों की मजदूरी न मिलने पर जमकर हंगामा किया। ई रिक्शा चालकों ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जाहिद अंसारी को न केवल खरी खोटी सुनाई बल्कि यहां तक कह दिया कि ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया जाए जब मजदूरी भी ना दे सकें। आखिरकार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को ई रिक्शा चालकों से माफ़ी मांगनी पड़ी। वायरल वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि एक ई रिक्शा चालक का भाई दीपक मेरठ के कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाहिद अंसारी से 5 ई रिक्शा चालक की मजदूरी मांग रहा है। दीपक का कहना है कि पिछले एक हफ्ते से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी नसीम कुरैशी के चुनाव प्रचार के लिए शहर भर के क्षेत्रों में ई रिक्शा द्वारा प्रचार प्रसार किया गया और शाम को जब कार्यालय पर जाओ तो कोई नहीं मिलता। थक हार कर आज जिला अध्यक्ष को पकड़ा लेकिन अब ये भी हाथ खड़े कर रहे हैं। देखिए माफ़ी मांगते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाहिद अंसारी का यह वायरल वीडियो। दिन का टाइम हो गया, दो दिन लग गए आपके पास, क्या मजदूर आदमी रोटी नहीं खाएगा या आपके यहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे तो काम नहीं चलेगा? किसने लगाया ई रिक्शा? जिसने भी लगाया तो बुलाता हूँ। ये चार खड़े हैं, एक मेरा भाई है उनमें, वो पैसे लेने गया हुआ है अभी आधे घंटे से, उसको बोल रहे हैं अभी आ रहे हैं 7 से 10 बजा दिया। क्या रिक्शे लगे हुए आपके? मेरा तो एक ही है। एक ही और क्या है? और चार हैं ये सब। पाँच या पाँचों को नहीं मिले? किसी को नहीं मिले अभी तक। पैसे दो दिन हो गए बेकार में उनको घूमते घूमते। क्या कैसे करेगा आपने? किराए की रिक्शा चलाने वाला कैसे करेगा आप बताओ? 400 रुपये किराया देगा, कैसे करेगा आप? समझाओ मुझे इस बात। गलत बात है, मैं बुलाता हूँ रिक्शा वालों सबको। कल पूरा दिन खराब करवाया तो काम नहीं, हमारा तो रोल नहीं है ना इसमें। आज से चले, मैं मान रहे हैं आपको, पर उसमें हमारा कोई रोल है? हमारा कोई भाग है? हमारा तो काम कर रहा है हमारे कल कल से चले आप दोपहर से हैं। कल 12 बजे आपके पास आ गए थे। आ गए थे, परमिशन नहीं हुई और फ्लैट चले लगे थे। फ्लैट 2 बजे के करीब निकले यहाँ से। चलिए बुक कल कर दिए थे, तुम्हारी गलती नहीं मानना मैं, इसमें तुम्हारी गलती कुछ नहीं है। गलती जब हमने बुक कर लिया हमारे आगे तो हम मालिक है। आप ही है ना उसके मालिक? तो मैंने थोड़ी ही रिक्शा करी है सर, इससे कोई मतलब नहीं है। आप प्रत्याशी को संभाल सकते हैं ना? प्रत्याशी को कह सकते हैं ना, अगर जनता ऐसे बचाना होगी तो आप क्यों नहीं देंगे पैसे? आप ऐसे प्रत्याशी को देख ही रहे टिकट, मुझे समझाइए आप। आपने ऐसे प्रत्याशी को टिकट क्यों दिया मुझे समझाया? हाई कमान में दिया, मैंने थोड़ी दिया सर। आप अध्यक्ष हैं, आपसे बिना पूछे थोड़ी होगा काम? मेरे से नहीं पूछा भैया, 40 साल मेरी उम्र है, कुछ तो मैंने भी वोट डाले, मैंने भी कुछ किया। मैं झूठ नहीं बोल रहा। नहीं सर ऐसा नहीं होता ना, आप क्या मजदूर की मजदूरी नहीं दिला सकते? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे कांग्रेस पार्टी? कैसे इतने साल देश को कैसे संभालेंगे? मुझे समझा दीजिए आप। मैं क्या कर सकता हूं? आप क्यों नहीं कर सकते? आप किस चीज के अध्यक्ष हैं? आप किस चीज के अध्यक्ष हैं मुझे समझा दीजिए। मैं तो भैया फिलहाल तो अध्यक्ष कांग्रेस का हूँ। कांग्रेस के है ना? कांग्रेस पार्टी है ना कुछ? राष्ट्रीय पार्टी है ना हिंदुस्तान की? या नहीं है? या कुछ भी नहीं है उसका? तो फिर अगर गरीबों के पैसे नहीं दे सकते तो क्या करेगी? तो भाई मैंने प्रत्याशी देगा। प्रत्याशी से आप बात करेंगे ना? आपके सामने मैं खड़ा हूँ, आप मुझे नहीं फोन उठा रहे? मैं क्या करूँ? अगर मुझे समझाइए, अगर आप मेरे कपड़े क्यों फाड़ रहे हो भाई? मैं इसलिए फाड़ रहा हूँ सर क्योंकि आप मेरे सामने, मुझे वो मिलता मैं उसको ही फाड़ता। मैं आया स्पेशलिस्ट हूँ भाई, मैं अपने भाई के ही फाड़ूंगा इस चीज के लिए। जो करा सर ने उसमें ऐसा काम ऐसे बंदी पार्टी के साथ? भैया मेरी तो गलती नहीं है कुछ सर। सर आप, मेरी तो आपकी पहली मुलाकात। जवाब तो सर आपको ही देना पड़ेगा, आप बढ़े तो आपको देना होगा। भाई क्या जवाब दूं बताओ? आप मुझे पैसे दिलवाइए मेरे। जब मेरे पांच आदमी खाली पेट घूम रहे हैं, आप ऐसे बना रहे हैं भाई? खाना भी नहीं मिला तुम्हें? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिला। पैसे खाए चार बार पूछता हूँ, पानी वानी खाना कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है आपके पास? आप चलाएंगे धंधा कैसे चल रहे हैं जी? आपका मेयर बन जाएगा, आपका मेयर तो वैसे घर में पैसे निवार नहीं कर लेगा। क्या करेगा आपका मेयर? मुझे समझाए भैया, मेरे कपड़े पर क्यों नहीं मारूंगा सर? मैं आपको पकड़ूंगा, नहीं आपको पकड़ूंगा। आप उससे बड़े हैं, आपकी बिना परमिशन के टिकट नहीं मिल सकते उसको। अरे सर मेरे बगैर परमिशन के? नहीं नहीं कुछ नहीं मिल। क्या सर ऐसे क्या आपके बिना परमिशन कैसे मिल गई टिकट भैया? ये तो अगर वो एक वो अगर 500 रुपए की 1000 रुपए की दिहाड़ी नहीं दे सकता जो बंदे से सब कुछ ले रहा है, खुद तो सब कुछ चाहिए उसको, उसका कहीं नुकसान ना हो जाए।
पर दूसरे की मजदूरी नहीं देनी उसने। हेलो हम यहाँ रुकी रहे। हेलो यार हाँ पहले इनसे पैसे ले और इनकी तारीफ में मतलब इनसे पैसे ले फटाफट जल्दी आप पांच बंदे खड़े हैं जल्दी आप बड़ा पैसे नहीं दे रहे तो भी आप अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।